जो सामाजिक जीवन में मैं माननीय ठंगड़ी जी से निवेदन करता हूं कि वह इस अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुलपति सक्सेना जी, माननीय मुरलीधर राव जी, भगवती जी, अरुण ओझा जी, मुनीश्वर जी, उपस्थित नागरिक तथा प्रतिनिधि, बंधुगण और मातृवृंद, स्वदेशी जागरण मंच का औपचारिक प्रारंभ उद्घाटन कब हुआ यह इतिहास सब लोग जानते हैं, किंतु यह औपचारिक उद्घाटन था, वास्तविक बीजारोपण कब हुआ तो परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी जब 14 वर्ष के थे अपने चाचा के यहां रामपायली नाम के गांव में गए थे। विजयादशमी का दिन था, सीमोल्लंघन लोगों ने किया था, वहीं सभा हुई थी। उस सभा में डॉक्टर हेडगेवार जी का प्रथम प्रकट भाषण हुआ था, वो स्वदेशी के आग्रह के बारे में था। और उस सभा में डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस छोटे उम्र में भी सभी उपस्थित लोगों से प्रतिज्ञा ग्रहण करवाई थी कि मैं आजीवन स्वदेशी व्रत का पालन करूंगा। मैं समझता हूं कि आज जो हमारा मंच चल रहा उसका वास्तविक बीजारोपण उस सभा से हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। इतने दिन के बाद भी प्रश्न आता है, भाई स्वदेशी क्या है? आप अमेरिका में जाइए, आपको पता चलेगा, जिधर उधर आपको बोर्ड दिखेंगे, बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, ये स्वदेशी है। इंग्लैंड की महारानी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, उन्होंने सोचा कि मोटर कार जो ब्रिटिश है वो कंफर्टेबल नहीं है, जर्मन मोटर कार कंफर्टेबल है, वो खरीदना चाहिए खुद के लिए। लोगों ने प्रकट विरोध किया और कहा कि आप हमारे राष्ट्रीयता की प्रतीक है, आप ही यदि ब्रिटिश कार छोड़कर जर्मन कार का उपयोग करती है तो क्या मैसेज क्या जाएगा, सिग्नल क्या जाएगा? महारानी को जर्मन कार खरीदने नहीं दिया। अमेरिका में एक वर्ष कैलिफोर्निया में बहुत संतरे हो गए। अमेरिका ने जापान से कहा, उस समय जापान आज के जैसा समर्थ नहीं था, अमेरिका के दबाव में था, जापान को कहा कि जापान के महिलाओं को संतरे बहुत पसंद आते हैं, हम आपके यहां संतरे भेजेंगे। जापान ने कहा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं नहीं, हम भेजते हैं। तो दबाव में आकर उन्होंने संतरे स्वीकार किए, तो सारे मार्केट्स जापान के संतरों से भरे हुए थे। जापानी महिलाओं को संतरे पसंद है, यह भी बात सही थी, लेकिन एक भी संतरा बेचा नहीं गया। सारे मार्केट संतरे से भरे हुए थे अमेरिकन, एक भी संतरा बेचा नहीं गया। ये स्वदेशी है। वियतनाम के प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह जब हिंदुस्तान में आए, जैसे वो हवाई जहाज से उतर रहे थे, करेस्पॉन्डेंट वहां तक गए थे, तो देखा कि उनकी पैंट यहां सिलाई थी। लोगों ने पूछा कि अरे आप तो प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री है और आपकी सिलाई है यानी पैंट फटी हुई है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, माय कंट्री कैन अफोर्ड ओनली सो मच, दिस इज स्वदेशी। और 1931 में वायसराय इरविन और महात्मा गांधी, इनकी वार्ता चल रही थी, अपराह्न का समय था, उनके लिए चाय आई, गांधी जी के लिए नींबू पानी आया। गांधी जी आराम से यहां से कुछ पूड़ी निकाले, वायसराय देख रहे थे उत्सुकता से क्या करते हैं।
पूरी निकाली, नींबू पानी में डाल दिया। वायसराय ने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि आपके कानून का, नमक कानून का उल्लंघन करते हुए मैंने जो नमक बनाया था उसकी एक पूड़ी है, वो नींबू पानी में डाल रहा हूं। दिस इज स्वदेश। तो हमने समझना चाहिए कि स्वदेशी का अर्थ क्या है। स्वदेशी और देशभक्ति दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच का जब से निर्माण हुआ, ऐसा लगता है कि एक विषय में भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली और स्वदेशी जागरण मंच की जन्म कुंडली इसमें साम्य है। कम से कम एक विषय में तो है कि जन्म होने के प्रारंभ से ही कट्टर विरोध प्रारंभ होना। भगवान कृष्ण का भी ये हुआ, उनका जन्म हुआ ही नहीं था, कट्टर विरोध शुरू हो गया। वही बात मंच की हुई। मंच के स्थापना के पूर्व मैं कलकत्ता गया था, तो वहां बातचीत में हमारे ये बात आई कि ऐसा कुछ स्वदेशी मंच हम बनाने वाले हैं, तो कम्युनिस्ट ने पहले ही प्रचार शुरू किया। कम्युनिस्ट जाने कौन, जिन्होंने 1942 में स्वतंत्र संग्राम का विरोध करके ब्रिटिश सरकार के गुप्तचरों का काम किया था, 1940-47 में जिन्होंने देश के विभाजन का समर्थन किया था, 1962 में जिन्होंने चीन को यह आक्रमणकारी हो नहीं सकता ऐसा प्रस्ताव करके चीन का समर्थन किया था, ये कम्युनिस्ट कहने लगे आरएसएस वाले इनके पास देशभक्ति कहां है। और यदि ये स्वदेशी कोई बात शुरू करती है, इसका मतलब यह है कि भारत के पूंजीपतियों ने इनको पैसा दिया होगा ताकि विदेशी जिस इंडस्ट्री में से हट जाते वहां फिर इनकी मोनोपोली हो जाएगी भारतीय पूंजीपतियों की, और उपभोक्ताओं का चाहे जैसा शोषण करने के लिए खुली छूट मिल जाएगी, इसलिए पूंजीपतियों ने पैसा दिया होगा। ये प्रचार हमारे जन्म के पहले से ही कम्युनिस्ट ने शुरू किया था। लेकिन जिस समय स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई, उसी समय जब ये पहला प्रस्ताव ये हुआ कि स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हो रही है, उसी समय दूसरा प्रस्ताव यह हुआ कि हमारी मांग है कि जो जो चीज देशी या विदेशी मार्केट में आती है उसका उत्पादन खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस चीज पर लिखा हुआ होना ही चाहिए, क्योंकि यदि उत्पादन खर्चा लिखा हुआ रहता है तो अनाप शनाप मुनाफाखोरी नहीं हो सकती। ये प्रस्ताव उसी समय हुआ, इसके कारण कम्युनिस्टों की तुति बंद होगी, नहीं तो विरोध पहले से ही था। जिस समय गैट का डंकेल प्रस्ताव आया, उस समय भी, और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, उस समय भी स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि इसमें जाना नहीं चाहिए, यह संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए नहीं, तो विकसित देश विकसनशील देशों का शोषण कर वहां साम्राज्य स्थापन कर सके आर्थिक, इस दृष्टि से WTO की स्थापना हो रही, उसमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा था। WTO की स्थापना हुई, उसके पश्चात तफसील में न जाते हुए एक एक कदम पर इस मंच ने WTO के बातों का खंडन किया है, विरोध किया है, जन जागरण किया है। किंतु दुख की बात है कि WTO के बारे में उचित रुख अपनाना सरकार के लिए संभव नहीं हुआ। हम लोगों ने जब कहा कि WTO ये शोषण करने के लिए है, हमारा ब्यूरोक्रेट्स ने कहा ये स्वदेशी वाले इनको क्या अर्थशास्त्र मालूम है, हम दुनिया से आइसोलेट हो जाएंगे, क्यों WTO को छोड़ना चाहिए। किंतु यह प्रचार इतना बढ़ा इसके प्रभाव के कारण पिछले दोहा के अधिवेशन में सरकार के मिनिस्टर मालान इन्होंने वही भूमिका अपनाई जो भूमिका स्वदेशी जागरण मंच पहले से कहता था, और इस दृष्टि से उन्होंने जो इतने दिन तक स्टिफ रेजिस्टेंस दिया, तीव्र प्रतिकार किया, उसके लिए हमने उनका अभिनंदन भी किया है। किसी ने कहा कि आप महारान के पास जाकर
उनका व्यक्तिगत अभिनंदन कीजिए। हमने कहा भाई ये मैं नहीं करता, इसका कारण है। दोहा के अधिवेशन में महाराज ने प्रशंसनीय कार्य किया, ये हमने कहा है, अखबार में भी आया। प्रत्यक्ष जाकर इसलिए नहीं करते क्योंकि कुछ संदेह है। दोहा में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद नए दबाव भारत सरकार पर लाने का काम कुछ लोगों ने शुरू किया। उसमें ऐसे ब्यूरोक्रेट थे जो अमेरिका के जेब में, उसमें ऐसे नेता लोग हैं जो खरीदे गए हैं अमेरिका के द्वारा, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। और फिर अमेरिका ने विकसनशील देशों के लोगों को खरीदना, नेताओं को खरीदना और उनके उनके देशों के हितों के विरुद्ध काम करने के लिए उनको प्रवृत्त करना, ये काम दोहा में ही शुरू किया था। नेता लोग खरीदे जा सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि इस समय सद्दाम हुसैन की बात आई है, सारा अरब विश्व अपने खिलाफ न जाए इसके लिए कुछ अरब देशों को फोड़ने का प्रयास अमेरिका ने किया, जिसमें सऊदी अरेबिया और इजिप्ट का नाम है। इजिप्ट को उदाहरण के लिए बताऊं कि इजिप्ट को उस समय 113 अरब कर्जा इजिप्ट का माफ किया गया और फिर सद्दाम हुसैन के खिलाफ इजिप्ट को लाया गया। तो इस तरह के प्रयास चल रहे। और फिर दूसरी बात है कि WTO में शामिल सब देशों के बारे में ऐसा है कि वहां जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको देश की ओर से अभिवचन कमिटमेंट देने का पूरा फाइनल अंतिम अधिकार रहता है। अमेरिका में अंतिम अधिकार नहीं। अमेरिकन कांग्रेस के लोगों ने कहा कि इन्होंने जो कुछ कहा है इनको अंतिम अधिकार नहीं है, अमेरिकन पार्लियामेंट यानी अमेरिकन कांग्रेस के सामने विषय आना चाहिए। और कांग्रेस यदि इसको रिजेक्ट करती है तो इनके अभिवचन को न मानते हुए अमेरिका ने उसको रिजेक्ट किया ऐसा मानना चाहिए। तो कांग्रेस मन उनके पार्लियामेंट के लोग इसके विरोध में काम कर रहे। इसके कारण हमने कहा कि हम सीधे जाकर उनका अभिनंदन करें, ये इस समय उचित नहीं होगा। और उसके बाद जो घटनाएं हुई है जिनका उल्लेख हमारे रिजोल्यूशंस में है, ये रिजोल्यूशंस आपके पास आएंगे, आपके ध्यान में आएगा कि हर उद्योग में, खेती में, हर क्षेत्र में विदेशियों को खुली छूट देना, ये काम शुरू हुआ। मॉन्टेन सिंह अहलूवालिया रिपोर्ट में जो सिफारिश है सरकार ने उनको रिजेक्ट नहीं किया और स्वीकार किया, तो सारे क्षेत्र विदेशियों के लिए खुले हो जाएंगे। और फिर सरकार के प्रवक्ता ऐसा कहते हैं, ये बेशर्मी के साथ कहते हैं, ऐसा मैं कहूंगा कि जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरे लोग कहते हैं कि साहब हमें प्रोटेक्शन दो, हमें संरक्षण दो, क्योंकि अमेरिका, यूरोप सारे लोग अपने अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्शन दे रहे, हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कॉम्पीट और पेरिश। आज हमने पढ़ा रिफॉर्म और पेरिश। अरे मतलब क्या है? सरकार काहे के लिए? अपने लोगों को संरक्षण देने के लिए। अमेरिका उसका 1988 का कानून उस पर चलती है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी माल विदेश से आता है उसको बंदरगाह से नीचे उतारना नहीं उतारना ये निश्चित करने का अधिकार अमेरिकन सरकार को है। और यदि अमेरिकन सरकार को लगा कि वह माल अमेरिका में उतरने के कारण अमेरिका के किसी इंडस्ट्री को धक्का लगता है तो हमें अधिकार है कि वो माल हम उतरने नहीं देंगे। उल्टा कहा कि हमारा माल किसी भी देश में जाता है उनके लिए बाध्य है कि उन्होंने हमारा माल लेना ही चाहिए, नहीं लिया तो हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। ये स्पेशल 301 उनके 1988 के कानून का है। और अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि WTO का कोई भी निर्देश यदि हमें बंधनकारक लगता है, नुकसानकारक लगता है, हम पालन नहीं करेंगे। अब जापान ने भी यह भूमिका ली है। और अभी जो चाइना आया है, चाइना ने, लोग पूछते हैं